अपने घर पर करके जो कि अपना सिक्स पैक एप्स कैसे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री बिना किसी रिक्वायरमेंट के, बिल्कुल सिर्फ अपने बॉडी वेट से। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली गाइस आई एम रेडी हो चुके हैं। अब करना कैसे है, हमारा पहला वर्कआउट है। इसको करने के लिए आपको अपने मतलब हैंड को इस तरफ रखेंगे पीछे अपने सिर को, और थोड़ा अपने को मतलब अपना जो बॉडी है थोड़ा मतलब पीछे तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरफ नहीं इस तरफ पीछे थोड़ा फोल्ड करना है। अपने पैर को जो कि थोड़ा मोड़ लेना है इस तरह से, और इसको करना कैसे है मान लीजिए इस तरह से, तो इसको पीछे लाना है अपने बॉडी को आगे ले आना है एक ही साथ, फिर इसको ले आना है पीछे, फिर आपको पीछे आना है मतलब अपने बैक को पीछे करना है, तो इस तरह से करना है। दोस्तों इसको जो कि तीन सेट लगाना है, और हर सेट में जो कि मतलब 12 से 15 रेपिटेशन रहेंगे, हल्के में 12 से 15 रेपिटेशन रहेंगे। तो हमारा पहला हो गया। हमारा दूसरा वर्कआउट है, उसको कैसे करना है, तो अब फिर ऐसे करना है इस तरह से, आपको ऊपर ले आना है फिर इसको नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपको थोड़ा अपने हैंड पर जोर देना है ताकि आपको मतलब जो बैक है इस पर थोड़ा जोड़ना पड़े, जो पड़े आपके एब्स पड़े। दोस्तों आप कोई से भी वर्कआउट करें, आप जो कि जो जिस पार्ट का कर रहे हैं उस पर जो डालना जरूरी है। मान लीजिए मेरा एब्स वाला है इसलिए हम अपने पूरा एब्स मतलब जो डाल लेंगे खोल सकते, तो इस तरह से करना है आपको। ये ना कि आपको हाली नहीं करना है, आपको एकदम स्लो स्लो करना है, ना कि एकदम लोग करते हैं जल्दी जल्दी, आपको जल्दी नहीं करना है, स्लो में करना है। करना कैसे है इस तरह से, आपको इस तरह से करना है, अपने जो कि कोर्स पर जोर डालना है और थोड़ा आगे की तरफ झुके रहना है इस तरह से, पीछे मैंने इस तरह से आगे तरफ झुके रहना है, और फिर इसको इस तरह से परफॉर्मेंस करना है 1 2 3। इसको जो कि कर सकते हैं मिनट से, आप चाहें तो 50 सेकंड से कर सकते हैं, मतलब आपको करना ही होगा क्योंकि आपका एप्स निकालना है तो ऐसे निकलेगा। तो इस तरह से करना है आपको 1, मतलब आप लगा सकते हैं टाइमर, अगर आप चाहें तो इसका मतलब गिनती भी या क्वांटिटी भी कर सकते हैं, तो वैसे कर देते हैं। गाइस आपने जो कि दूसरा वर्कआउट देख लिया, इसको आपको तीन सेट लगाना है, और हर सेट में जो कि मतलब अपने टाइमर के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं 40 सेकंड से 50 सेकंड तक तीन सेट में। तो हमारा दूसरा वर्कआउट हो गया, आप तीसरा करेंगे, तीसरा कैसे करना है, आपको सिंपली ऐसे आपको सो जाना है। तो इसको थोड़ा पीछे करते हैं अपने मतलब इसको हम थोड़ा इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर करने बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सोना है ऐसे सिंपली, और आपको एकदम सीधे इस तरह से सो जाना है इस तरह से। अब क्या करना है, अपने जो कि यह हैंड है आपको इसके नीचे रखना है, अपने नीचे, तो अब चाहे तो अपने सर रख सकते हैं लेकिन मतलब जगह नहीं गया तो रख लेते हैं। तो ऐसे करना है इस पोस्चर में, करने में जो कि अपने पैरों को यहाँ से इस तरह से उठाना है, और फिर इसको यहाँ पर ऐसे लाना है, फिर इसको ले आएंगे नीचे, आपको जो कि ये जो पैर है इसको ज़मीन तक नहीं ले आना, बस ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर रखना है। तो करना कैसे है देख लीजिए, 1। तो दोस्तों इसको तीन सेट लगाएंगे, और सेट में जो कि मतलब 10 से 12 रिपीटेशन रहेंगे। आपको हमने पहले ही बताया था, आप कोई से भी वर्कआउट करते हो आपको देखिए अपने उस पर मतलब उस पार्ट से फोकस डालना जरूरी है। मान लीजिए एप्स था इसमें हमने जोर डाला, आपको भी जोर डालना है। तो ये हमारा तीन वर्कआउट हो गया, इसको तीन सेट लगाएंगे, और हर सेट में जो कि 10 से 12 रिपीटेशन रहेंगे, तीन हो गया। अब करेंगे चौथा, इसको कैसे करना है, करना है कि आपको मतलब देखे होंगे कोर्स में सबसे जो कि बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है, आपको मतलब आपको ये करना ही करना है, इसको भी आपको करेंगे मिनट से, और तीन सेट इसका भी लगाएंगे। तो अपने एकदम सिंपल है, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला ये है कि अपने हाथों को ऐसे करके इस तरह से इस पोस्चर में खड़ा हो जाना एकदम सीधा, एकदम बिना हिले अपने जो कि एकदम कोर्स जो कि जो डालना है, इसको कम से कम आपको एक मिनट तक ऐसे ही रहना है एक सेट में इस तरह से, आपको जो कि सामने तरफ देखना है, और हर एक सेट मतलब एक मिनट तक रहना है एक सेट में इस तरह से। और आप चाहते हो अपने बैक को थोड़ा सा वजन रख सकते हैं, जिससे आपको मतलब अगर हार्ड वर्क करना चाहते हैं तब थोड़ा वजन रख सकते हैं मतलब पीठ पर बैक पे, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। और इसी का दूसरा वाला है, मतलब अगर ये कर लेते हैं तो इसको आप दो सेट, और इसके जो मतलब ये बता रहे हैं इसको आपको एक सेट लगाना है, तो मेरा तीन सेट रहेंगे। तो करना कैसे है, अपने हाथों को इस पोस्चर में कर लेना है, देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से ये हो गया, और फिर अपने पैर को ऐसे तान देना है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे पोस्चर, आपको इस पोस्चर में एक सेट लगाना है, दो सेट उसमें और एक सेट इसमें, तो आपको इस तरह से लगाना है।
और जो है कि आपको अपने कोर्स में जो डालना है, आप चाहे अपने बैग पे कुछ रख सकते हैं थोड़ा वजन के लिए, फिर मेरे लिए ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। और हॉर्स सेट में जो कि आपको एक से हाँ एक मिनट तो आपको रहना ही रहना है। तो आप लोग देख लीजिए वर्कआउट और दिखाते हैं हमारा अगला क्या है। सो गाइस हमारा अगला वर्कआउट है, पाँचवा वर्कआउट है, कैसे है सिंपली आप इसको ऐसे सो जाएंगे, थोड़ा हम सीट करते हैं। सिंपली कैसे सो जाना है, सोने में अपने हैंड को एकदम स्ट्रेट कर लेना है, स्ट्रेट करने वाला कि अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठा लेना है। यहाँ पे उठाने वाला जो कि अपने हैंड लेंगे इस तरह से इस पोस्चर में, आपको अपने मतलब कोशिश करना है आपको जो कि ये है इसको आप अपने हाथों से छू सकें। तो कैसे करना है, आराम से जाना है, आराम कि जल्दी जल्दी एकदम स्लो में जाना है। वन, अगर अपन नहीं छू पाते हैं तब जो कि ये रहा इसको आप छू सकते हैं, फिलहाल आपको कोशिश रहेगा वो उसको छूने के लिए। तो चलिए हम करते हैं, तो इस तरह करेंगे। तो गाइस हमारा अगला वर्कआउट है, इसे कैसे करना है आपको दिखाते हैं। आपको जो कि ऐसे सिंपली सो जाना है इस पोस्चर में और आपको जो कि अपने अपना हैंड को और जो कि अपने पैर को एक साथ उठाना है। दिखाते हैं कैसे, मान लीजिए अपने पैर को ऐसे उठाया और उसी के साथ जो कि अपने हैंड को भी ऐसे उठाना है, इसमें शॉर्ट टच करना है, ले जाएंगे या जो कि अपने पैर को नीचे ले जाएंगे बस इसको इतना ऊपर रखेंगे, तो इसको ऐसा चले जाएंगे और थोड़ा इसको अपने मतलब इसको जो कि गर्दन वगैरह इसको अपने बैक को जो कि इसको उठाने की कोशिश करेंगे और उसके अपने कोर्स पर जो डालेंगे। इस पोस्चर को करना है इस तरह से। आपको इस पोस्चर में करना है और इसे जो कि आपको तीन सेट और जो कि 8 से 10 रिपीटेशन निकालेंगे। और हमारा अगला वर्कआउट है, इसे कैसे करना है जो कि आपको कोर्स मसल के लिए है, इस साइड होना पड़ेगा, इसको जो कि दोनों साइड से करना है। इस तरह से करने के बाद जो कि इस तरह जाएंगे, फिर इसको अपने पैर को मतलब सिंपली वाला है तो इसको हैंड को यहाँ, इस हैंड को यहाँ, इसको इस तरह से तानेंगे इस तरह से। अपने जो कि साथ लोग को अपने इंटरनल मतलब इस पर गिरा लेंगे, तो इसको इस तरह से करना है और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी सोच लेंगे, इस तरह से अच्छा है, थोड़ा मतलब अच्छा खासा जोर पड़ेगा। तो फिर जो कब इस तरह से दूसरा वाला करना है इसी मतलब, तो इसको एक सेट माना जाएगा, मान लीजिए उस तरफ से 12, फिर आपको इस तरह से 12 करना है। ये मतलब दोनों सफर करने वाले 24 मतलब करेंगे तो आपको 12 माना जाएगा, तो ये हो गया। इसको जो कि तीन सेट में जो कि 10 से 12 रिपीटेशन रहेंगे। तो हमारा अगला क्या है उसको करने के लिए बिल्कुल सिंपली है। अब करना कैसे है, थोड़ा मतलब हार्ड हो सकता है, अपने पैर को जो सिंपल ऐसे मोड़ेंगे इस पोस्चर में, तो इस पोस्चर में अपने पैर को मोड़ेंगे। आप चाहें तो किसी चीज़ का यूज कर सकते हैं अपने पैर को फंसाने के लिए, तो मतलब अभी मैं फंसाया नहीं, तो उसी तरह से करेंगे इस पोस्चर में हो जाएंगे। आपको जो कि अपने हैंड पर यहाँ पर जो कि इस मतलब इसको हाथ जो कि पीछे रखना है, यहाँ पर इस तरह देख लीजिए इस तरह से रखना है। और दोस्तों अब ध्यान रहे आपके जितना पैर पास रहेगा उतना अच्छा रहेगा, जितना दूर मतलब आपको हल्का हो जाएगा, तो इस तरह पोस्चर आपको करना है। इसको आपको तीन सेट हर सेट में जो कि 10 से 12 रिपीटेशन रहेंगे। तो दोस्तों आप जो तीन सब वर्कआउट करके अपना जो कि अपने घर पर ही 6-pack abs बना सकते हो बिल्कुल आसानी से, आप देख सकते हो बिना किसी सामान के बिल्कुल फ्री अपने घर पर सिर्फ अपने बॉडी वर्कआउट बना सकते हो। और दोस्तों आपको जो कि 100% 6-pack abs बन जाएंगे। तो चलिए मतलब वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।